भाजपा सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले किसान, फिर नौजवान, उसके बाद पहलवान और अब अहिर रेजिमेंट की मांग। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। रविवार को महेंद्रगढ़ के गोद ब्लॉक गांव में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने महापंचायत की। ये महापंचायत हरियाणा राजस्थान सीमा पर बसे गांव गोदबलाहा में हुई, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में महिलाएं व पुरुष अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। इस दौरान चारों तरफ बस एक ही नारा था, जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा वोट वही पाएगा। इस महापंचायत में नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव भी पहुंचे और उन्होंने दबी जुबान में अपना व्यक्तिगत समर्थन भी दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वहां से गायब हो लिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि विधायक अभय सिंह ने क्या कहा। आपके समक्ष जो आपका अभियान जो है, इसको समर्थन देने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको ध्यान हो, खेड़की दोला में जो धरना जब चल रहा था, वहां भी मैं जाके अपना समर्थन व्यक्त करके आया था। और देखिए, अहिर समाज का हिंदुस्तान की फौज में आजादी से पहले से लेकर और आजाद भारत की जितनी लड़ाइयां हुई हैं, उसमें अहिरों का नाम आगे रहा है। चाहे वो रेजांगला की हो, चाहे चुसूल की हो, चाहे टाइगर हिल्स की हो, जितनी लड़ाइयां हैं, इनमें सबने हमारे बहादुरों ने बहुत हिम्मत दिखाई है और किया है। मैं आज आप सभी भाइयों के साथ व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन व्यक्त करता हूं और इस संघर्ष को मैं आपको कामयाबी की दुआएं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते। हरियाणवी सिंगर MD भी अहिर रेजिमेंट के समर्थन में इस महापंचायत में पहुंचे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह मांग बिल्कुल जायज है। पहली ऐसी कौम है जो देश पर मर मिटने के लिए अपना रेजिमेंट मांग रही है। सरकार को जल्द से जल्द इस मांग को मानना चाहिए, अन्यथा 2024 अब दूर नहीं है। और मैं आज यहाँ प्रोग्राम में पहुंचा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर दो महीने के अंदर एक ऐसी सभाएं हो रही है और ऐसी होती रहेगी, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमारी रेजिमेंट में समाज से हूँ, मैं यही समाज से हूँ। तो मेरा सबसे पहला मेरा स्टेप होता है कि मैं अपने समाज के साथ जुड़ूं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी मेरे मित्रगण है, साथी है, जो किसी भी जाति से है, देखो जब जाट आरक्षण हुआ था तो सबसे पहले मैं खड़ा था। तो मेरे काफी यार दोस्त है जो जाट भी है, पंडित भी, सब मेरे साथ ही आज भी। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी हक की लड़ाई है और ये लड़ाई हमें आगे तक लड़नी है और हमारा जो अहिर रेजिमेंट का जो मांग है वो हमारी पूरी। इसी तय की बात कहना चाहूंगा सरकार से कि प्यार से हम बैठे हैं, प्यार से हम रिक्वेस्ट करके मांग रहे, तो ये हमारा हक है कि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद इलेक्शन है, तो वहाँ भी देखा जाएगा कि क्या होता है। अहिर रेजिमेंट के समर्थन में उत्तर प्रदेश से पहुंचे लोगों ने कहा कि काफी लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांग उठ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे यह मांग जोर पकड़ रही है। अगर अभी भी सत्ताधारी केंद्र सरकार ने अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं किया तो 2024 के चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अहिर रेजिमेंट की जो ये मांग है, ये कई वर्षों से चलती आ रही है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इसने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, क्योंकि ये मांग अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है। और देखा जाए तो फौज में अगर कोई जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही बच्चा जाता है। अगर कोई बच्चा फौज की तैयारी करता है तो आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरना, नंगे पैर वो सड़कों पर अपने तलवे घिस रहा होता है। तो ये मांग उन बच्चों की है, उनके अधिकार और उनके हक की मांग है। तो आज की तारीख में हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये मांग ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत होती जा रही है और इसी को हम लोग आगे मजबूत करते हुए 2024 के सेंट्रल इलेक्शन से पहले इसको सरकारों से मनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। महिलाओं की भागीदारी भी इस महापंचायत में भारी संख्या में देखने को मिली। बुजुर्ग महिलाएं भी कहती नजर आई कि अहिर रेजिमेंट हमारा हक है और हम इसको लेकर रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम अपने तरीके से अहिर रेजिमेंट लेकर रहेंगे। अहिर रेजिमेंट हमारी आनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा, सरकार मांग नहीं माने क्या होगा? ना मानने के मांग तो जोर लगाऊंगा। अहिर रेजिमेंट की लगातार उठती मांग कहीं न कहीं भाजपा सरकार के लिए सरदर्द जरूर बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब यह मांग धीरे धीरे ग्रामीण अंचल से भी उठने लगी है।
ऐसे में गोद बलावा में हुई इस महापंचायत के अंदर नांगल चौधरी से भाजपा के स्थानीय विधायक पहुंचे और अपना व्यक्तिगत समर्थन इस मांग को लेकर देते नजर आए। लेकिन सवाल यह उठता है कि वर्तमान सरकार का हिस्सा होते हुए भी आखिर मजबूती से वह इस मांग को क्यों नहीं उठा रहे। कहीं अहिरवाल के नेता राजनीतिक कुर्सी जाने के डर से तो समर्थन देने नहीं पहुंच रहे। इस मांग से जुड़े लोग शायद इसका जवाब खोज रहे हैं। नारनौल से भारलेन यादव, पंजाब केसरी टीवी।